हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो यार, कल हुआ कुछ ऐसा कि मैं अपनी बाइक पे हाईवे पे क्रूज कर रहा था अराउंड 70-80। सो ऑब्वियसली 70-80 इज़ अ नॉर्मल स्पीड ऑन हाईवे। बट हुआ क्या कि मेरे को ये हेलमेट रॉयल एनफील्ड के साथ फ्री मिला था, और इस हेलमेट की क्वालिटी काफ़ी बेटर है। आई मीन इट वोंट फील चीप, ठीक ठाक हेलमेट की क्वालिटी है। बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब मैंने इस हेलमेट को पहन रखा था, तो अब चूंकि ये हाफ फेस हेलमेट है, प्लस इसका वाइजर भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, तो जैसे ही आप 80 किलोमीटर पर आके स्पीड अचीव करते हैं, इससे बहुत सारी एयर जाती है हेलमेट के अंदर। एयर ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा फील होता है। तो जो विंड ब्लास्ट मेरे को फील हो रहा था, वो आंखों में इतना लग रहा था कि 80 किलोमीटर्स, 80 to 90 की स्पीड पे ऑलमोस्ट मेरे आंखों से आंसू निकलने लगते थे। तो यार, ओवरऑल हेलमेट अच्छा है। अगर आप 80 किलोमीटर्स की स्पीड पे ड्राइव कर रहे हैं, इट इज़ गुड इनफ। और ये हेलमेट मेरे कुछ ढीला भी होता है। आई थिंक ये थोड़ा सा बड़ा साइज है, क्योंकि ये जो भी प्रोवाइड करते हैं ये फ्री साइज प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक दूसरा हेलमेट परचेज करता हूँ। वैसे भी मेरे को हाफ फेस हेलमेट कुछ खास अच्छे नहीं लगते हैं, मेरे को फुल फेस हेलमेट ज़्यादा बेटर लगता है। थोड़े से बेटर फील होते हैं फुल फेस हेलमेट। यहाँ से 80-90 की स्पीड पे एयर जाने की वजह से मेरे को इस हेलमेट को हटाना पड़ेगा। और इसका थोड़ा सा साइज का भी इशू है कि हेलमेट थोड़ा साइज से बड़ा है। तो मैंने उनके सेल्स पर्सन से पूछा भी था कि ये तो मेरे साइज़ काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो उन्होंने बोला सर यही है जो आता है। तो ओवरऑल ठीक है, अप टू 80 किलोमीटर पर आर तक चलाने के लिए ठीक है, बेटर हेलमेट है। अप टू 80 किलोमीटर आप इससे क्रूज़ कर सकते हो, बट अबव 80 आई वोंट रिकमेंड इट। और इसीलिए मैंने दूसरा हेलमेट ऑर्डर किया है, तो उसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं वो हेलमेट कैसा है। फाइनली हमने ये हेलमेट स्टील बर्ड का ये हेलमेट ऑर्डर किया है, और लुक्स वाइज अच्छा है। और इसको मैंने फ्लिपकार्ट से, एज यू कैन सी, फ्लिपकार्ट से परचेज किया है। तो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं। आई थिंक एक डिसेंट प्राइस में ये एक अच्छा हेलमेट लगा मेरे को। तो मेरे को इस हेलमेट की ग्राफिक्स अच्छे लगे, प्लस स्टील बर्ड का है तो ऑब्वियसली इट विल बी सफिशियंट इनफ। और ठीक ठाक हेलमेट है, ग्राफिक्स अच्छे हैं, तो इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। फुल फेस हेलमेट है तो दैट इज व्हाट आई वांटेड। और बाकी पिक्चर्स में तो काफी अच्छा दिख रहा था, अब खोल के देखते हैं कि रियल लाइफ में भी कैसा दिखता है, क्या उतना अच्छा है या नहीं। सो लेट्स ओपन इट। तो यार चलो इसको ओपन करते हैं। तो हेलमेट के साथ अपन को ये मिलता है एक एक्स्ट्रा वाइजर, टेंटेड वाइजर मिलता है हेलमेट के साथ। और वाइजर का भी प्राइस नियर अबाउट 219 लिखा हुआ है। तो ये एक स्टील बर्ड का टेंटेड वाइजर, एक्स्ट्रा वाइजर है, गुड टू हैव। और ये रहा हेलमेट, तो हेलमेट खोल के देखते हैं कि हेलमेट अपना कैसा दिखता है। तो वाइजर को अभी साइड में रखते हैं। वाओ, हेलमेट लुक्स रियली गुड। टू बी ऑनेस्ट, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। मेरे को लगा था कि ग्राफिक्स इतने अच्छे नहीं होंगे। और ये बहुत लोगों ने, मैंने एक दो रिव्यूज पढ़े थे, लोगों ने बोला था ये स्टिकरिंग है। एक्चुअली ये स्टिकरिंग नहीं है, आइदर ये एक प्रिंट जॉब है या एक पेंट है। आई एम नॉट श्योर कि ये प्रिंटेड है या पेंट है, बट मे बी इट्स प्रिंटेड। तो इट लुक्स रियली गुड। हेलमेट की कुशनिंग भी ठीक ठाक है, हेलमेट की कुशनिंग बहुत हाई टेक नहीं है, तो हेलमेट की कुशनिंग भी ठीक ठाक है। हेलमेट ठीक ठाक है, आई मीन इट्स गुड इनफ। तो हेलमेट काफी अच्छा है ओवरऑल, फर्स्ट इंप्रेशंस आर रियली गुड एंड फिट्स गुड एज वेल। तो ये जो मैंने ऑर्डर किया था ये लार्ज साइज है, और ओवरऑल प्राइस मेरे को इसको पड़ा 1590। इसलिए मैंने बताया कि एक डिसेंट प्राइस में एक अच्छा गुड लुकिंग हेलमेट
अवेलेबल है। स्टील वर्ल्ड के हेलमेट काफी बेटर लुकिंग है, तो आप ट्राई कर सकते हो। और मेरे को तो जेन्युइनली हेलमेट बहुत अच्छा लगा। कुशनिंग कुड हैव बीन बेटर, बट इस प्राइस में कंप्लेन भी नहीं कर सकते फॉर 1592 और नियर अबाउट 100। आई थिंक इट विल डेफिनेटली गोना सेव यू। द हेलमेट सीम्स वेरी सॉलिड, द ग्राफिक इज अमेजिंग। तो यार ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मोटो है। पहली चीज कि बहुत लोग एक अच्छा दिखने वाला हेलमेट के चक्कर में कोई भी सस्ता सा हेलमेट खरीद लेते हैं या किसी हेलमेट पे स्टिकरिंग कर लेते हैं, विच इज नॉट आइडियल। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि पहली चीज, आप कभी भी हेलमेट खरीदें तो आइदर ISI सर्टिफाइड हेलमेट हो, नहीं तो डॉट और ईसी हो तो बहुत बेटर है, बट ISI इज गुड इनफ। तो अगर आप हेलमेट लेने जा रहे हैं तो आप इस बात, इन सब चीजों का ध्यान रखिए कि एक अच्छा सेफ हेलमेट यूज करें। तो अब क्वेश्चन आता है कि मैंने ये हेलमेट क्यों खरीदा। तो पहली बात, मेरे को एक फुल फेस हेलमेट चाहिए था और मेरे पास एक नॉर्मल स्टील बर्ड का हेलमेट है ऑलरेडी, बट अच्छा गुड लुकिंग एक ठीक ठाक हेलमेट चाहिए था। तो ये एक सेफ हेलमेट है, एक ठीक ठाक अच्छा हेलमेट है और इसके ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। बाद में मैं कुछ शॉर्ट्स अटैच कर दूंगा आपके रेफरेंस के लिए। अच्छे ग्राफिक्स वाला हेलमेट चाहते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि आप MT एक्सोर या ऐसे समथिंग हेलमेट्स पे जाएं जिसकी प्राइस 5000-6000 होती है। आपको सिमिलर ग्राफिक्स वाला एक बेटर लुकिंग हेलमेट आपको 1500-1600 रुपए में स्टीलबर्ड से मिल जाएगा और इनके काफी सारे वेरिएंट्स आते हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।